गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास फोर्थ की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 12 समझाऊंगी, जिसकी डेट 17 अप्रैल 2021 है और स्टूडेंट नेम में अपना नाम और टीचर नेम में आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स, वी हैव ए फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आर यू रेडी टू आंसर देम? क्या आप आंसर देने के लिए तैयार है जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी? लेट अस स्टार्ट देम। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? नेम योर फेवरेट फ्रेंड। अपने फेवरेट फ्रेंड का नाम लिखो, जो आपको सबसे प्रिय लगता है उसका आप नाम यहाँ पर लिखो। अगर मोहन है तो मोहन, जो भी है। अपना फेवरेट प्लेस, आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? अगर आगरा लगती है तो आगरा लिखो, दिल्ली लगता है तो दिल्ली लिख दो, ठीक है बच्चों? फेवरेट टॉय, सबसे अच्छा टॉय आपको किस चीज़ का लगता है? कार का, बस का, ट्रेन, जो भी लगता है। फेवरेट फूड, आपको सबसे अच्छा फूड क्या लगता है? क्या खाना आपको अच्छा लगता है बताओ बच्चों? मैगी अच्छी लगती है, चाउमीन अच्छी लगती है, पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, तो आप वो लिख देना, ठीक है? चलिए, वाओ, इट इज़ अमेजिंग दैट यू नो सो मैनी नेमिंग वर्ड्स इन द क्लाउड गिवन बिलो सर्किल ऑल द नेमिंग वर्ड्स दैट यू कैन फाइंड। तो अब नीचे बॉक्स में, क्लाउड में हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है? सर्कल करना है नेमिंग वर्ड्स को। रिमेंबर, नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स दैट वी यूज़ फॉर पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, है ना, एंड इवन इमोशंस। तो नेमिंग वर्ड आपको पता ही है ना, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, और यहाँ तक कि हमारे इमोशंस जो होते हैं, जैसे कि लव, हेट, है ना, ये सब हमारे क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं। जैसे कि लेडी, लेडी बताइए बच्चों जल्दी से, ये भी है हमारा। जंप, नहीं, ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। बॉक्स हमारा नेमिंग वर्ड है ना। लवली भी हमारा नेमिंग वर्ड है, और फिश भी हमारा नेमिंग वर्ड है, और बच्चों फ्लावर भी हमारा नेमिंग वर्ड है, और रेन भी हमारा नेमिंग वर्ड है, स्टार है, सन भी है, और गुड, अच्छा, है ना, तो ये नहीं है, बर्ड भी है, और ये सारे बच्चों क्या है? हमारे नेमिंग वर्ड है, ठीक है बच्चों? चलिए, इनको आप सर्कल कर देना। अब आगे देखते हैं, आगे आज की वर्कशीट में क्या है। नाउ लेट अस कंबाइन द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। राइट द न्यू वर्ड्स एंड ऑल्सो ड्रॉ देयर पिक्चर्स। देखो, अब हमें क्या करना है, दो नेमिंग वर्ड को जोड़कर हमें क्या करना है बच्चों? इसमें हमें एक दूसरा कंपाउंड वर्ड बनाना है, ठीक है, और साथ ही यहाँ पर हमें इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। चलिए बच्चों, इसमें देखो हम एक भूल गए थे, बो, ये भी हमारा नेमिंग वर्ड ही है, ठीक है, इसको भी आप सर्कल कर लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पर। और अब आ जाएगा बच्चों, जैसे देखो, रेन प्लस बो क्या बन गया? रेनबो, कंपाउंड वर्ड बन गया हमारा रेनबो। इसी तरह से स्टार प्लस फिश क्या बन जाएगा हमारा? स्टार फिश। आप यहाँ पर इसकी पिक्चर ड्रॉ कर देना बच्चों, यहाँ पर स्टार फिश बना देना। सन प्लस फ्लावर क्या बन गया? सन फ्लावर। सूरजमुखी का फूल अगर आपसे बनाना आता होगा बच्चों तो बना देना यहाँ पर। लेडी प्लस बर्ड क्या बन गया? लेडी बर्ड। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आज की, देखो इनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। व्हेन टू वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर, जब दो शब्दों को साथ साथ जोड़ा जाता है तो एक नया शब्द बनता है ना, जिसका एक नया ही मतलब निकलता है। देखो, लेडी का अलग मतलब है, बर्ड का अलग मतलब है, लेकिन अगर हम इसको जोड़ देंगे तो लेडी बर्ड बन जाएगा। इसी तरह से देखो, सन का अलग मतलब होता है सूरज, फ्लावर का अलग मतलब होता है फूल। अगर हम इसको कंपाउंड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये हमारा सनफ्लावर, है ना, और वो अलग ही मतलब हो गया सूरजमुखी का फूल। तो अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को उनके आसपास उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस तरह से बच्चों, आप आज की अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन हिट जरूर करना, और साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट मुझे लिखकर भेजना। थैंक यू बच्चों।